बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विजेता एल्विश यादव ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जी हां, इसी के साथ ही उन्होंने बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार किया है कि कोई वाइल्ड कार्ड ने ट्रॉफी जीत ली हो, जिसके बाद अब एल्विश यादव ने अपने फैंस का धन्यवाद कहने के लिए गुरुग्राम में एक मीटअप आयोजित किया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी नजर आए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एल्विश यादव का हाथ पकड़े फैंस के सामने उन्हें ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आपको बता दें कि एल्विश यादव से मिलने के लिए करीबन 3 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। एल्विश यादव को किया सम्मानित। वही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एल्विश यादव के मीटअप का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लाखों की संख्या में फैंस नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी एल्विश के साथ नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव के फैंस फॉलोइंग को देखकर हर कोई इस वक्त दंग रह गया है। सोशल मीडिया पर एल्विश का ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस बिग बॉस विनर को जमकर बधाई दे रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आइए आपको एल्विश यादव की इस वायरल वीडियो पर नजर डलवाते हैं। राजनीति में कदम रखेंगे एल्विश यादव। वही आपको बता दें कि गुरुग्राम में आयोजित किए गए मीटअप कार्यक्रम के दौरान एल्विश यादव ने कहा कि मैं बहुत ज्यादा स्पेशल फील कर रहा हूँ। जब मैं पहली बार सीएम साहब से मिला था तब भी बहुत स्पेशल फील आई थी। वही एल्विश यादव से जब पूछा गया कि वो बिग बॉस जीतने के बाद अब राजनीति में कदम रखने के बारे में क्या सोच रहे हैं या बॉलीवुड में जाएंगे, इस पर यूट्यूबर ने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, ये समय बताएगा, जहां वक्त ले जाएगा वहां मैं चला जाऊंगा। बिग बॉस जीतने पर एल्विश को मिली इतनी धनराशि। बता दें कि एल्विश यादव को बिग बॉस ओटीटी 2 की ट्रॉफी के साथ साथ 25 लाख रुपए मिले। जहां एल्विश ने अभिषेक मल्हान, पूजा भट्ट, बेबिका धुर्वे और मनीषा रानी को कड़ी टक्कर देकर शो की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है। बता दें कि एल्विश यादव दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले लोगों की लिस्ट में 10वें स्थान पर आ गए हैं। एल्विश एक मशहूर यूट्यूबर हैं। उनके 2 यूट्यूब चैनल पर, जिसमें से एक पर वो अपने रोजाना लाइफ से जुड़े ब्लॉग डालते हैं, वही दूसरे पर उनकी कॉमेडी से जुड़ी वीडियो आती है। तो आपको कैसा लगा हमारा ये रिपोर्ट वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।